चल गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, और कौन मिटाए उसे जब तेरा नाम लिया हे ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो ब्रज के नंदलाला। और प्यारे नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, सुध बिसराएगी मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराएगी मुरली की धुन प्यारी, हे मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हे ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हे ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हे ब्रज के नंदलाला, सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 राधे गोविंद गोविंद हे ब्रज के नंदलाला। ठाकुर जी से कहिए दोनों हाथ उठा करके प्रेम से हे सवरिया।
के ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देव ऋषि नारद ने भरत श्री कृष्णा श्री कृष्ण चरणा भोजि स्मरम सर्व दुखो गमश्यति। आज देवऋषि नारद ने हरिद्वार में गंगा के सुनन पावन तट पर जो श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करवाई है, महाराज भक्ति जवान थी बेटे बूढ़े थे। अब बताओ जिनकी माँ जवान और बेटे बूढ़े हो तो संसार जीने देगा। आज देवऋषि नारद के ये सत्कर्म कराने का प्रभाव देखिए। माँ तो जो जवान थी वो तो बूढ़ी हो गई और जो बेटे इनके ज्ञान वैराग जो बूढ़े थे वो आज तरुणावस्था में तब्दील हो गए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये देवऋषि नारद के सत्कर्म की पराकाष्ठा है, उनकी सामर्थ्यता उनकी ताकत है। प्यारे जीवन में भजन को बढ़ाना प्यारे, भजन ही तुम्हारे कलेश को काट सकता है और किसी की ताकत नहीं किसी की सामर्थ्यता नहीं। फिजूल के वार्तालाप करने से आपका बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना प्यारे। जीवन में हर पल हर क्षण मेरे गोविंद का हे नाथ कदापि आपको हम भूले नहीं। बस प्रभु से प्रार्थना करना जीवन में तो केवल ये की प्रार्थना है। आज भक्ति पुष्टि हो गई महाराज और इनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति दूर हुई। संत हमेशा बदले में कुछ न कुछ देते हैं देने के लिए। संत की कहां तक करे लखे बड़ाई महाराज। धन्य भाग्य जिनके घर के अंदर संत और ब्राह्मण और अतिथि आए महाराज। ऐसा शुभ अवसर तो महाराज देवताओं को भी दुर्लभ होता है। आइए जीवन की गोकर्ण उपाख्यान। तुंग भद्रा तटे यत्र वर्णा स्वधर्मे। तुंग भद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर था। जीवन में उतारने की ये कथा को जो कोई सुनता है और श्रवण कराता है उसके अपने पूर्वज देवता पितृ देवता पुष्ट होते हैं महाराज। यदि नरक में भी पड़े हैं तो स्वर्ग में आ जाएंगे, सच कह रहा हूं। आपके घर में पितृ दोष, प्रत्येक जीव के यहां पितृ दोष होता है। पितरों को प्रशंसित करने के लिए यह कथा को जीवन में उतारने की कथा है। तुंग तुंग बोलते हैं तुंग भद्रा, भद्र यानी कल्याण करने वाली, तुंग यानी ये शरीर। ये शरीर का कल्याण करने वाली जिसमें उत्तम नगर, उत्तम नगर ये सबसे बड़ा उत्तम नगर मुखारबिंद आध्यात्मिक में बताया। तुंग भद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम के नगर में आत्मदेव ब्राह्मण वास करते हैं। ये आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण है बड़ा मृदुभाषी है, परिणीति है, मनस्वी है, तपस्वी है, यशस्वी है, पराक्रमशाली है और कर्म कांड में बड़ा प्रवीण है, बड़ा मृदुभाषी है। लेकिन यद्यपि व्रति थोड़ी लोभ में ही है। ब्राह्मण वो ही सच्चा ब्राह्मण होता है जिसके लोभ और क्रोध नहीं तो वो ब्राह्मण का अंश नहीं महाराज।
लेकिन भैया इतना परशुराम दादा को जागृत भी नहीं करो, ये कलयुग है प्यारे। हम तो परमात्मा से कहते हैं भगवान सबसे बड़ी भक्ति यही है जीवन में, काम क्रोध मद लोभ सब नाति नरक को पन, सब परिहारी रघुवीर ही भजऊ भजई जे संत। काम क्रोध मद लोभ सब ये नरक के पंथ है, नरक पंथ यानी रस्ते हैं, इनसे आपको बचना है तो प्रभु के चरणों का शरणागति लेना, प्रभु मेरे कृष्ण के पाद पद्मों का ध्यान करना, जीवन में प्यारे चिंता को घटाना और चिंतन को बढ़ाना यही सहज मुक्ति का उपाय है। आत्मदेव ब्राह्मण वास करते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण कर्मकांड के बड़े प्रवीण हैं, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, सांख्य शास्त्र इत्यादि सब वेदों पुराणोक्त विद्या सब याद है, कंठस्थ है। अब तो महाराज इनकी एक धर्म पत्नी थी आत्मदेव ब्राह्मण का आशय स्पष्ट, आत्मदेव जो नित्य देवताओं का दर्शन करता है, आत्मा में नित्य देवताओं का देवत्व शक्ति का दर्शन करे इति आत्मदेव, वही आत्मदेव है। इनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी थी जिसका नाम है, कोई बता सकता है भैया आत्मदेव ब्राह्मण की धर्म पत्नी को नाम कोई जाने? इधर से आवाज आ रही है महाराज की, श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली का आशय स्पष्ट सरपंच साहब, धुंधली का मतलब होता है बुद्धि जो तर्क वितर्क आर्गुमेंट्स करे महाराज, तर्क भी कुतर्क करे महाराज, फालतू के प्रश्न सोचे, फालतू के महाराज विडंबना, और तो और महाराज कर्कशवाणी से किसी की एक दूसरे की नुक्ताचीनी करे महाराज। कई कई माताएं ऐसी हैं यहां पर महाराज, महाराज आप तो हमको महाराज हमारे यजमानों को भी साथ में लेकर फलार करें, अरे अरे राम राम, ऐसी माता भी धन्य जो समय पे याद दिलवा दे तो वो भी धन्य। हाँ मैया बैठ जाइए आप, बहुत अच्छी सेवा है आपकी। आत्मदेव ब्राह्मण की धर्म पत्नी श्रीमती धुंधली देवी जो नुक्ता चीनी करे तेरी मेरी करे, यही धुंधली देवी है। आध्यात्मिक में राम सुखदास जी महाराज जी ने बताया कि ये धुंधली देवी और कोई नहीं, ये हमारी बुद्धि ही धुंधली देवी है। हाँ ये उत्तम नगर में आत्मदेव नहीं ये आत्मा ही इसमें निवास करती है, ये सबसे बड़ा उत्तम नगर है। इस बंगले में 10 दरवाजा, बीच पवन का खंभा, आवत जावत कोई नहीं देखो बड़ो अचंभा। कई कई माताएं कई कई भाई लोग फंदा लगा लेते ऐसे बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे, देखो ऐसे, हरे बोलो, अरे भगवान कल्याण ना ही करे, ये दरिद्र आसन होता है, जीवन में इस आसन को दूर लगाओ, ये भागवत पांडाल में तो 7 दिन तो कृपा करे इसको दूर भगाइए आप, ये कुशासन है महाराज, ये दरिद्रता प्राप्त कराता है महाराज, सावधान बैठिए आप भगवान के। जितने कई कई माता है भाई लोग, अरे हमने कुर्सी आपके सोफा इसी तो लिए लगवाए, अगर भाई किसी के घुटनों की परेशानी हो तो महाराज सोफा पे बैठ जाए, कुर्सी पे बैठ जाए, लेकिन कई कई की आदत होती है ठाकुर जी के सामने टांग करेंगे, वारे प्यारे, अरे भगवान ऐसे भैया ये आपका दोष नहीं है, ये कलयुग ने आप और हमारी सबकी बुद्धि को विकृत बनाया है, मिट्टी से दूषित किया है। हाँ पिंजरे के पंछी कब करे गो आत्म ज्ञान, पिंजरे के पंछी कब करे गो आत्म ज्ञान, कब करे गो आत्म ज्ञान।
कब करेगो आत्म ज्ञान। प्रभु हो बंगले में 10 दरवाजा बीच पवन का खंभा, में 10 दरवाजा बीच पवन का खंभा, इस बंगले में इस बंगले इस बंगले में 10 दरवाजा बीच पवन का खंभा, इस बंगले में 10 दरवाजा बीच पवन का खंभा। आवत जावत कोई नहीं देखो, आवत जावत कोई नहीं देखो, आवत जावत कोई नहीं देखो। बात तो करता है जीव कल की, सरपंच साहब बात तो करता है जीव कल की, और खबर नहीं है जीवन के पल पल की। वाह। अरे आवत जावत कोई नहीं देखो, देखो पड़ो रे असंभा, कब करे गो आत्म ज्ञान रे बिजली।